स्टूडेंट सेंटेंस ऑफ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक प्लेइंग विद नंबर चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमने 3.2 कल कंप्लीट कर ली थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। सो क्वेश्चन नंबर व्हाट दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक राइट द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर ऑफ 24 आर, तो 24 के आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपके पास 2, 6, 2, देन सेकेंड है आपके पास, यहीं पर लिख देती हूँ चार ऑप्शन, सेकेंड जो आपके पास है वो है 2 × 2 × 3। देन थर्ड है आपके पास, करते हैं 24 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 24 को डिवाइड किया आपने 12 आ गया, देन 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आ गया, और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो फैक्टर क्या आ गए 2 × 2 × 2 × 3। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए का सेकेंड पार्ट होगा जो वो आपका करेक्ट आंसर है। देन बी पार्ट देख लीजिए, बी क्वेश्चन क्या है, वाई विच फैक्टर, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। जब आप कंपोजिट नंबर की बात करते हो तो आप उन नंबर की बात करते हो जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो आपको पूछा है कि कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होगा जब आप फैक्टर करोगे कंपोजिट नंबर के, तो आप देख लीजिए कौन सा नंबर होगा ऐसा हमारे पास, हमारे पास होगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर होगा और वो एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा, ठीक है, तो आपका आंसर होगा सेकंड। आपके पास जो सी पार्ट है वो दे रखा है आपको द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, कितने डिजिट का बोला गया हमें, 3 डिजिट, ठीक है, तो 3 डिजिट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे पास 1000, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। मैं इसमें आपको टिक राइट नहीं लिख के दिखा रही हूँ, सिर्फ सॉल्व करके बता रही हूँ, आप अपना जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगा लें। द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, दैट इज 1000, ठीक है, तो 1000 के फैक्टर निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आपको क्या होगा, 1000 टू से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 100, देन 2 से 500 को करेंगे 25, या जाएगा 250, देन अगेन इससे करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 से करेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, देन 5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 551, तो आपके पास क्या आ गया 222, एंड आपके पास 3 2 आ गए और क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 डिजिट चेक करना है, बट हमारी हो गई 4 डिजिट, तो हमें 3 डिजिट चेक करना है, हमने यहाँ अभी चेक नहीं किया था, तो हमारा ये होगा 100, ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये नंबर 100 हो जाएगा, बट आपको अगर 4 डिजिट कहते तो 1000 हो जाता, तो 100 के निकाल लेते हैं, तो देखिए तो आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, देन 2 से अगेन करेंगे 25, 5 से करेंगे 551, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 × 2 × 5 × 5, सो इट इज़ योर आंसर। ये आपके फैक्टर हैं, ये आपका जो भी पार्ट है आप देख सकते हैं, आपका ये इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है 2 × 5 × 5 × 2, तो आप देख लेंगे जिस भी तरह से आपका लिखा हुआ होगा। देन आप क्या करते हैं डी पार्ट देख लेते हैं इसका, व्हाट इज द डी पार्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 different prime factors इज, the smallest number having four different prime factors. Is क्या हो गई अब ये देखते हैं हम, तो हमारे पास है फर्स्ट है 219, सेकंड है हमारे पास, हमारे पास अगर हम सेकंड की बात करते हैं 215 and 210, तो अगर आप 219 की बात करें तो ये क्या होगा, डिवाइड करेंगे हम इसको तो हमारे पास नेक्स्ट है 210, पहले 219 देख लेते हैं, 219 को अगर हम चेक करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21 and 3 × 3 = 9, ये हो गया, देन अब इससे डिवाइड करेंगे कितना जगह 3, अब 73 क्या है प्राइम नंबर है तो 73 से होगा, तो इसके सिर्फ 2 prime factors हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। देन अब 216 को चेक कर लेते हैं, तो 216 को अगर हम चेक करें तो हमारे पास देखें 2 से करा 2 × 2 216
फोर जै एट, देन अगेन किया कितना आ गया 54, देन अगेन आप इसको सॉल्व करते हैं 2 2 जै 4, 5 में से 4 किया 27, देन 3 9 आ गया, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 3 1, तो आपके पास जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा सेकंड, ठीक है। 215 भी इसी 209 की तरह नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा सेकंड। देन आपके पास लास्ट इसका ई पार्ट बचता है, नहीं दशमलव, तो क्या करेंगे इन सारे नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, तो देख लीजिए 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 11 5 जा 55, 6 की मल्टीप्लाई 55 में कर लीजिए, करके देख लेते हैं 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 33, तो आपका आंसर क्या आएगा 330, ओके। सो 330 इज योर आंसर, मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ फाइंड प्राइम फैक्टर यूजिंग थ्री मेथड, तो आपके पास फर्स्ट जो नंबर है वो है 90, तो 90 के आपको फैक्टर फाइंड आउट, तो मैं एक हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो एक चीज़ गौर करने वाली है कि 90 के अगर हम फैक्टर करें तो कई तरह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 90 के फैक्टर, तो आप जब 90 के फैक्टर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 45, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 45, तो 2 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या रहेंगे 2 ही रहेंगे, बट अगर आप 45 के फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देख लीजिए 45 किससे डिवाइड हो सकता है 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब आप 3 के फैक्टर तो आगे होंगे नहीं, तो 3 क्या आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, देन आप क्या करेंगे 15 के फैक्टर कर लेंगे, तो 15 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5, अब इसके फैक्टर कर लीजिए 2 के फैक्टर 2 ही आएंगे, 3 के 3 ही आएंगे, देन इस 3 के इस यही 3 आएगा और 5 के 5 ही आएंगे, तो हमारे पास जब 90 के फैक्टर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 2 3 3 5, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो आपको पता है 45 2 जा 90 होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 2 के फैक्टर किए, तो 2 के तो कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, देन आप 45 के फैक्टर करेंगे तो 15 3 जा कितना होता है 55, मतलब 3 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, फिर हम 3 के फैक्टर करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। 15 के फैक्टर हो जाएंगे, 3 के फैक्टर भी नहीं होंगे, तो 15 के करेंगे 3 5 जा 15, ठीक है। 3 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और 5 के करेंगे तो 5 आएगा। तो अब आपने क्या देखा, जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 90 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ओके। यू कैन डू लाइक दिस।